हमारा ग्राफ देखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ को किस तरीके से देखा जाएगा और क्या है। देखिएगा, कंसीडर ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, और ए नॉट इक्वल टू जीरो होना भी चाहिए, और ए बी सी आपका क्या है, क्यू, रेशनल नंबर है। फिर हम क्या फर्स्ट लेते हैं कि यहाँ तक की बातें हो गई हैं कि ये आपके रेशनल नंबर होना ज़रूरी है, मतलब ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, इसलिए या तो रियल नंबर होना चाहिए, और रियल नंबर में भी ज़्यादा बेटर कौन सा रहेगा, आपका रेशनल नंबर। यहाँ तक ये सारी कहानियाँ हमने बोल दी थी कि भाई ऐसी कहानियाँ हैं हमारी, और ऐसी कहानियों की क्या कहानियाँ हैं। हाँ जी, क्या जाए? हाँ जी, तो केस हमारा फर्स्ट है जिसमें ए क्या है हमारा ग्रेटर देन जीरो। जब ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसके तीन केस बनते हैं, वो तीन केस कौन कौन से हैं? जब ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो उसके तीन केस बनते हैं, और वो तीन केस ये हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। पहला है इसमें कि ए ग्रेटर देन जीरो, फिर दूसरा ए ग्रेटर देन जीरो, फिर तीसरा ए ग्रेटर देन जीरो। अब बात आती है डी की, तो डी यहाँ जीरो से बड़ा करते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ डी को क्या कर देते हैं, इक्वल टू जीरो कर देते हैं, और यहाँ डी हमारा लेस देन जीरो होता है। ठीक है, एक तो यहाँ ए ग्रेटर देन जीरो का पार्ट आएगा, केस आएगा, और दूसरा ए लेस देन जीरो का, है ना, जिसमें तीन तीन ग्राफ आएंगे दोनों के, और तीन तीन ग्राफों को किस तरीके से याद रखा जाएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो आपके रिमार्क्स में लिखवा दिया जाएगा, ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो पहली बात है कि ए ग्रेटर देन जीरो है और डी ग्रेटर देन जीरो है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें रियल रूट आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, लिख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, रियल रूट्स, और इसमें सेम ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल रूट्स बोल देंगे हम, इक्वल रूट्स, और इसमें इमेजिनरी रूट्स। हाँ जी, पहली बात हमने की है कि जब ए ग्रेटर देन और डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आपका आएगा रियल रूट, और ए ग्रेटर देन जीरो डी इक्वल टू जीरो है तो आएगा आपका इक्वल रूट, क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं वो क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस का रूट डी अपॉन टू ए। तो अब बात आ गई है डी की, डी की, तो डी की तीन कंडीशन हमने यहाँ बोली है, आगे वाले में भी यही कंडीशन रहेगी कि डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, और डी लेस देन जीरो। हाँ जी, तीनों कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई कर दी है। यहाँ अप्लाई करने के बाद ग्राफ किस तरीके से बनता है, जो पैराबोला होता है वो किस तरीके का होता है आपको पता ही है, हाँ? इसका जो पैराबोला होता है वो क्या होता है, एक इक्वल टू जीरो है तो इसका पैराबोला कौन सा होगा, यहाँ बोलिएगा अपवर्ड पैराबोला, इसका कौन सा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, और अपवर्ड पैराबोला में कौन किस तरीके का पैराबोला होगा, ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला है रियल रूट्स, रियल रूट्स होगा तो रियल एक्सिस को कट करेगा, रियल रूट होगा तो रियल एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा, और कट करेगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ठीक है, इसको ले लेंगे हम।
जी रियल रूट है तो क्या है, बस इतना ही ले लेता हूँ मैं। रियल रूट है तो क्या है, रियल रूट है तो क्या है, अपवर्ड पैराबोला होगा तो ये पैराबोला इस तरीके का होगा। ये पैराबोला टच करेगा और ये पैराबोला टच भी नहीं करेगा। हाँ जी, यहाँ हम बोलेंगे कि एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या होगा, बीटा होगा। एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। और इसके दोनों रूट सेम है, मतलब अल्फा कोमा अल्फा है, एक जगह है, और इसमें रियल रूट है नहीं, यानी कि ये टच नहीं करता है। तो यहाँ हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो टच नो कट है ये। ये क्या है, इधर वाला नो कट नो टच, हाँ जी किया जाए। आगे जेई एडवांस की हम बात करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट बात है। जेई एडवांस की बात, जेई मेंस तक ये दिक्कत नहीं है यहाँ तक की। और यहाँ देखिएगा, जेई एडवांस की बात में हम क्या करेंगे, जेई एडवांस में इस तरीके से हम बात करेंगे कि ध्यान से सुनिएगा, ये अल्फा है और ये बीटा है, सुनिएगा ध्यान से, है ना, और इसको देखिएगा, है ना। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि यहां ये अक्ष अक्ष से अबव है और ये अक्ष अक्ष से अबव है। जब अक्ष अक्ष से अबव होता है तो वाई की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। देखो ये रेड मार्क जो मैंने किया है, ये अक्ष अक्ष से अबव है, और अक्ष अक्ष से अबव होता है तो देखो ये भी अक्ष अक्ष से अबव है, और ये भी अक्ष अक्ष से अबव है, और ये तो पूरा ही अक्ष अक्ष से अबव है। रेड कलर वाला मार्कर देखिएगा एक बार। हाँ जी ठीक है, तो ये रेड जो अक्ष अक्ष से अबव है, सुनिएगा ध्यान से, उसमें वाई पॉजिटिव होगा, मतलब वाई ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये अक्ष अक्ष से अबव कौन सी जगह है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अक्ष से अबव है कि अल्फा से छोटी, अक्ष क्या है, अल्फा से छोटा, और ठीक है, यूनियन अक्ष आपका अल्फा से छोटा है। इसको मैं एक तरीके से और बोलूं तो, सॉरी, जो आपका अक्ष है मैंने उल्टा लिखा है, अक्ष है आपका अल्फा से छोटा, यूनियन इधर देखिएगा इधर बीटा से बड़ा है, तो हम इसको लिख देंगे कि अक्ष किससे बड़ा है, बीटा से बड़ा है। अगर ये कंडीशन होती है आपकी तो वाई इसका क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। वाई क्या होगा इसका, ग्रेटर देन जीरो होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब अक्ष अक्ष से ऊपर होती है तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अक्ष अक्ष से ऊपर होती है तो वाई पॉजिटिव होता है, अक्ष अक्ष से नीचे होता है तो वाई नेगेटिव होता है, और अक्ष अक्ष पे वाई जीरो होता है। सुनिएगा बात, देखो ध्यान से फिर से, अगर अक्ष अक्ष से ग्राफ ऊपर होता है तो वाई पॉजिटिव होता है, अक्ष अक्ष से नीचे होता है तो वाई नेगेटिव होता है, और ऑन अक्ष अक्ष से होता है तो वाई जीरो होता है। तो अक्ष अक्ष से ऊपर कौन कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ अल्फा अक्ष से छोटा है। आंसर सुनिएगा, देखो अल्फा ये रहा और अक्ष ये रहा, तो अक्ष अल्फा से क्या है, छोटा है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ बीटा, बीटा
अक्ष अक्ष क्या है, छोटा ये अक्ष अक्ष है हमारा, ये अक्ष अक्ष है तो इससे छोटा है, तो ये जो ग्राफ है रेड वाला ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और दूसरी बात में ये नीचे वाला देखिएगा, नीचे वाला देखिएगा, ये वाइट कलर वाला ग्राफ ले रहा हूँ मैं, ये वाइट कलर वाला, हाँ जी, ये अक्ष अक्ष से क्या है, नीचे है, अक्ष अक्ष से नीचे क्या होता है भाई, अक्ष अक्ष से नीचे कहाँ है, अल्फा से तो बड़ा है और बीटा से छोटा है, तब आपका वाई क्या है, वाई आपका नेगेटिव है और अक्ष अक्ष के ऊपर है, अक्ष अक्ष के ऊपर है, मतलब अक्ष अक्ष इक्वल टू अल्फा है और अक्ष अक्ष इक्वल टू बीटा है, तब आपका वाई क्या है, वाई 0 है, वाई क्या है, 0 है। सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एडवांस की बात है, आईआईटी की बात करते हैं तो थोड़ा टफ लेवल की है ये, मानते हो आप इस बात को, और टफ लेवल की है तो थोड़ी बातें भी हम ठीक ठाक लेवल की करेंगे। ये ओन अक्ष अक्ष है, हाँ जी, यहाँ बात करते हैं रेड वाले की, तो रेड वाला कहाँ से कहाँ तक है, रेड वाला अक्ष अक्ष है माइनस इन्फिनिटिव से, इन्फिनिटिव की बात करते हैं तो अक्ष अक्ष से अबव है, हाँ जी अक्ष अक्ष से अबव है, लेकिन इसमें से एक चीज हटा दीजिएगा आप, अल्फा, अल्फा हटा देंगे तो आपका वाई क्या आएगा, वाई आएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी, सारा खेल अक्ष अक्ष से ऊपर है, अक्ष अक्ष से ऊपर कौन सा खेल है, अल्फा को हटा के जो सारा ग्राफ बनता है, इधर ये देखिएगा ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ और इधर ये वाला ग्राफ सारा क्या है, अक्ष अक्ष से ऊपर है, अक्ष अक्ष से ऊपर ये वाला ग्राफ है मैंने जो यहाँ लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0। तो भाई अब अक्ष अक्ष पे कौन सी चीज है, अक्ष अक्ष पे आया आपका अल्फा, क्या है अल्फा, और अक्ष अक्ष पे वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। इंपॉर्टेंट चीज में से ये चीज और इम्पोर्टेंट आएगी, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड नंबर का ग्राफ हम निकल लिए हैं, थर्ड नंबर की ग्राफ ग्राफ की बात करते हैं, थर्ड नंबर का ग्राफ कौन सा होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये अक्ष अक्ष से ऊपर होता है जो अक्ष अक्ष को टच भी नहीं करता और कट भी नहीं करता है, तो हम लिख देंगे यहाँ नो कट नो टच, अक्ष अक्ष को कट भी नहीं करता है और अक्ष अक्ष को टच भी नहीं करता है, जब कट नहीं करते हैं तो रियल रूट्स नहीं होंगे तो क्या हो गया, इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो भाई वो कौन सा होगा इमेजिनरी रूट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको थोड़ा सा ठीक लेवल से समझा दिया जाएगा कि ये दिखाई दे आपको, हाँ जी, तो वो कौन सी जगह है, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, अक्स आपका है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, और उस चीज में क्या है आपका y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव होने का मतलब आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो पॉजिटिव है, तो इसका सीधा सा मतलब आप ये निकाल सकते हो कि सर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये a अक्ष स्क्वायर प्लस b अक्ष प्लस c ये ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से सुनिएगा, जो बात हम कर रहे हैं ये ग्रेटर देन 0 है, देन ये ग्रेटर देन 0 है तो किस कारण ये 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है तो आपका है कि a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, हाँ जी, हमने बोला है कि d लेस देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला अक्ष अक्ष से अबव होगा, और अक्ष अक्ष से अबव होगा तो ना तो कट करेगा ना टच करेगा, ना कट करेगा ना टच करेगा तो उसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा, कोई रियल रूट्स नहीं होगा तो उसका रूट्स होगा इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट होगा तो अबव है तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, और क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्रेटर देन 0 कहाँ होती है, a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो, उल्टी भाषा में कन्वर्सली भी इसको बोला जा सकता है कि कन्वर्सली इसलिए ये बोला जा सकता है कि ध्यान सुनिएगा कि इफ आपका a ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो, डी लेस देन 0, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 होगा,
और मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ कि ऑल अक्स बिलोंग्स टू आर, कोई सा भी अक्स ले लीजिएगा आप, कि जो इच्छा है वो अक्स ले लीजिएगा। अगर डी लेस देन इक्वल टू जीरो है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो आपका जो पैराबोला होगा अक्स अक्स से अबव होगा, कन्फर्म होगा भाई, इसमें कोई दो राय ही नहीं होगी। हाँ, कन्वर्सली की बात करते हैं तो इसी को उल्टा बोल सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना भाई, दिखाई दे रहा है तो मैं यहीं लिख देता हूँ। से सुनिएगा कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स आपका क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, देन ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो।